दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आंखों से कचरा हटाने के लिए हम क्या करें। कई बार किसी व्यक्ति की आंखों में कचरा चला जाता है। ये कचरा धूल, एक बरौनी या कुछ छोटी वस्तु हो सकती है। यदि आप इस ऑब्जेक्ट को आपकी आंखों से नहीं निकालते हैं तो ये बहुत परेशानी और संभावित खतरे का कारण बन सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी आंखों से उस कष्टप्रद कचरे को कैसे निकालना है। विधि के बारे में बात करते हैं। अपने हाथों को धो लें। यहां तक कि अगर आपको लगता है कि आपके हाथ गंदे नहीं हैं, तो आपकी आंखें छूने से पहले उन्हें धोने का एक अच्छा विचार है। आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से नहीं निकालना चाहते हैं तो इसे संक्रमित नहीं करेंगे, इससे भी बदतर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए अपनी आंख ऊपर और नीचे ले जाएं। अपनी आंखों को बाएं से दाएं, साथ ही ऊपर से नीचे तक लेकर जाएं। ऐसा करते समय अपनी आंखों को देखना मुश्किल हो सकता है। इसके बाद आईने के सामने खड़े हो जाओ और देखें कि क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। उसके बाद एक टॉर्च या मजबूत प्रकाश आपकी मदद कर सकता है। अपने सिर को दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे तक ले जाएं, ताकि आप आईने में देखने के दौरान अपनी आंखों को स्थानांतरित कर सकें। किसी मित्र या रिश्तेदार को आपके लिए इसका निरीक्षण करना है। अपनी पलक लिफ्ट करें और धीरे धीरे देखें तो दूसरा व्यक्ति आपकी आंख का निरीक्षण कर सकता है। प्रक्रिया को दोहराएं, लेकिन इस बार पलक को खोलें और ये देखने के लिए नीचे देखें कि क्या ऑब्जेक्ट आपकी आंख से ऊपर या नीचे है। यदि आप जांचना चाहते हैं, अपने पलक के नीचे अपने ऊपरी पलक पर बस एक कपास रखें और फिर पलक उठाएं और कपास पर रखें। ये आपको अपने पलक पर स्थित किसी वस्तु को देखने की अनुमति देता है। ध्यान में रखें, जब आपको सहायता की आवश्यकता होती है तत्काल चिकित्सक की तलाश करें। डॉक्टर इन कामों को नहीं करने की सलाह देते हैं। बात करते हैं वो कौन से काम हैं। कभी भी धातु के एक बड़े हिस्से को हटाने की कोशिश ना करें जो कि आंख के अंदर है। ऑब्जेक्ट को निष्कासित करने के प्रयास में कभी भी आंखों पर दबाव नहीं डालें। कभी चिमटी, चीनी कांटा या अन्य कठिन वस्तुओं का उपयोग ना करें। तो दोस्तों, आपको हमने बताया अपनी आंख में गए हुए कचरे को निकालने के लिए साधारण और घरेलू नुस्खे कौन से हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इस वीडियो के बारे में और लोग भी जानें, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपके पास और भी इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो हम पहुंचाते रहें और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। धन्यवाद।